है बीपीए नेटवर्क और आप देख रहे हैं बीपीए न्यूज। नमस्कार, आप देख रहे हैं बीपीए न्यूज, देश का सच दिखाते हैं। मैं वर्तिका सिंह आपके साथ आई, चर्चा करते हैं आज के मुख्य समाचार पर। कानपुर में मजदूर की मौत के बाद परिजनों ने सवरा किया हंगामा। पति ने की पत्नी की हत्या, क्षेत्र में मची सनसनी। पेट्रोल पंप मैनेजर से हुई लूट की घटना का 24 घंटे के अंदर हुआ खुलासा। 24 घंटे में अवैध शराब के 14 अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार। जुआ खेलते 11 जुआरी हुए गिरफ्तार। त्योहारों पर बाजारों में भीड़ भाड़ एवं सुरक्षा व्यवस्था की दृष्टिगत पुलिस पेट्रोलिंग जारी। लूट की घटना से मचा हड़कंप। चोरी का आरोप, नाबालिग की हुई पिटाई। कानपुर एयरपोर्ट का न्यू टर्मिनल बिल्डिंग का निर्माण कार्य चल रहा। अब खबरें विस्तार से। कानपुर में मजदूर की मौत के बाद परिजनों ने सवरा किया हंगामा। परिवार ने मुआवजे के तौर पर 5 लाख की आर्थिक मदद मांगी। मौके पर पहुंचे कांग्रेसी नेता विकास अवस्थी व फैक्ट्री प्रबंधक में हुई तीखी नोकझोंक। गोविंद नगर थाना क्षेत्र दादा नगर फैक्ट्री एरिया की पूरी घटना। पति ने की पत्नी की हत्या, क्षेत्र में मची सनसनी। थाना दारागंज क्षेत्र में हुई घटना के संबंध में क्षेत्राधिकारी नगर पंचन ने दी जानकारी। आज दिनांक 30/10/2021 को सुबह के 6:30 बजे के करीब कच्ची सड़क दारागंज निवासी बलश्याम यादव ने अपनी पत्नी रश्मि यादव, जिनकी उम्र लगभग 45 वर्ष थी, के लोहे की रॉड से मारकर हत्या कर दी। हत्या के पीछे की वजह अब तक पारिवारिक कलह सामने आई है। शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। अभियुक्त हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। दिनांक 28/10/2021 को थाना कोतवाली माधवगढ़ क्षेत्र अंतर्गत पेट्रोल पंप मैनेजर से हुई लूट की घटना का 24 घंटे के अंदर सफल अनावरण करने के संबंध में व्यापारियों द्वारा एसपी जालौन व पुलिस टीम का माल्यार्पण कर सम्मानित किया गया। विगत 24 घंटे में सजानपुर पुलिस के विभिन्न थानों द्वारा जुआ खेलते 13 अभियुक्त एवं अवैध शराब के 14 अभियुक्तों की गिरफ्तारी, कुल 27 अभियुक्तों के विरुद्ध कार्रवाई की गई एवं बरामदगी के संबंध में संजय कुमार अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण ने दी जानकारी। विभिन्न थाना क्षेत्रों में क्या कुछ गिरफ्तारियां की गई हैं, किस तरीके की कार्रवाई जारी है? जनपद ने विगत 24 घंटे में जुए और अवैध शराब के संदर्भ में कुल 27 गिरफ्तारियां की गई हैं। जुआ खेलने के संदर्भ में 13 व्यक्तियों की गिरफ्तारी की गई है, जिनके पास से लगभग 3550 रुपए बरामद किए गए हैं। 13 अभियुक्त पंजीकृत हुए हैं अवैध शराब के निष्कर्षण के मामले में, जिसमें 14 व्यक्तियों की गिरफ्तारी की गई है। एक भट्टी भी इससे बरामद हुई है और 138 लीटर देसी अवैध शराब बरामद हुई है। इन सभी की गिरफ्तारी करके बरामदगी करके आवश्यक पुलिस कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। थाना तिलहर से जानपुर ने बंधरा ऑयल डिपो के बाहर टैंकरों से तेल चोरी करने वाले 6 साथी चोरों को किया गिरफ्तार। 60 लीटर डीजल, 75 लीटर पेट्रोल, 3 मोटरसाइकिल, 12 जोड़ी बड़ी प्लास्टिक के केन, 3 प्लास्टिक बाल्टी, 3 कीप, 2 प्लास्टिक के छोटे बड़े पाइप, 4 अदद मोबाइल हुए बरामद। में तेल चोरी का एक खेल चल रहा था लगातार तेल डिपो से, क्या कुछ कार्रवाई है, किस तरीके से गिरफ्तारियां हुई? ये थाना तिलहर क्षेत्र में बंथरा में ऑयल डिपो है, वहाँ काफी समय से सूचना प्राप्त हो रही थी कुछ लोग गैंग बनाकर ऑर्गेनाइज तरीके से वहां टैंकरों से तेल चोरी का काम करते हैं। इस सूचना पर कल एक टीम बनाकर इसमें कार्रवाई की गई तो मौके से 6 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। करीब 150 लीटर डीजल पेट्रोल जो चोरी का था वो बरामद किया गया है। इसमें 3 लोग ऐसे हैं जो इस पूरे गैंग को चलाते हैं, वो 3 भी इसमें वो वहां से भागने में कामयाब हुए, वो भी इसमें वांछित हैं। इन सभी के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत किया गया है, उनके विरुद्ध कार्रवाई की। एसओजी व थाना सदर बाजार सजानपुर पुलिस को मिली बड़ी सफलता। जुआ खेलते 11 जुआरियों को किया गिरफ्तार। 2,24,120 रुपए नकदी व 11 मोबाइल फोन किए बरामद। बाजार पुलिस और एसओजी ने संयुक्त कार्रवाई में जानकारी के आधार पर एक मकान की तलाशी के दौरान, इमरान के मकान की तलाशी के दौरान बाड़ूजेई में
11 लोगों की गिरफ्तारी की। इनके पास से जुए के फड़ पर रखे हुए 2,24,120 रुपये बरामद हुए हैं। ताश के पत्ते बरामद हैं। 11 मोबाइल फोन बरामद हुए हैं। इनकी गिरफ्तारी करके आवश्यक पुलिस कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। आगामी त्योहारों पर बाजारों में भीड़भाड़ एवं सुरक्षा व्यवस्था के दृष्टिगत पुलिस पेट्रोलिंग एवं सिटी कंट्रोल रूम के कैमरे द्वारा रखी जा रही सतर्क दृष्टि के संबंध में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने दी जानकारी। देखिए, शहर और जनपद की सुरक्षा के लिए पहले से ही हमारे जनपद में अधिकारियों द्वारा स्कीम बनाई गई थी, और मैंने जो पिछले साल की जो सुरक्षा व्यवस्था दीपावली जो धनतेरस से लेके और शंकर तक त्यौहार आ रहा है, जो पिछली बार सुरक्षा व्यवस्था हुई थी उसका मैंने जो पिछला ड्यूटीज थी वो देखी थी, और उसमें लोगों से विचार विमर्श करके जो हमारे अधिकारीगण हैं सहयोगी हैं उनसे विचार विमर्श करके उसमें कुछ ऐड ऑन किया है, और विशेषकर जो टू व्हीलर्स की जो मोबाइल पार्टी है, क्योंकि ऐसे में फोर व्हीलर्स भीड़भाड़ ज़्यादा रही, फोर व्हीलर्स ज़्यादा नहीं चल पाते, तो टू व्हीलर्स की मोबाइल पार्टी ज़्यादा बनाई गई है ताकि उनकी मोबिलिटी बनी रह सके, और यदि कोई मोटरसाइकिल से कोई केस करके भागता है, कोई क्राइम करके भागता है तो उसे पकड़ा जा सके। चलिए, कंट्रोल रूम में मैंने देखा है सीसीटीवी हमारे कंट्रोल रूम में जो स्मार्ट सिटी के तहत है, वहाँ से भी कैमरे द्वारा नजर रखी जा रही है। देखिए, हमारा कंट्रोल रूम आगरा का कंट्रोल रूम बहुत ही इफेक्टिव है जो सिटी कंट्रोल रूम है, और उसमें काफ़ी अधिक संख्या में कैमरे लगे हैं, और जो नगर है उसके हर क्षेत्र की उसके अंदर कैमरा उसका चल रहा है ताकि नज़र रखी जा रही है, और वो हमारा जो कर्मचारी गण है वो रात दिन रहते ही हैं उस पर नज़र रखने के लिए, वो बड़ा हेल्पफुल है। नज़र रहती है उस कंट्रोल रूम से। सर, एक आखिरी सवाल, पटाखों को देखकर जिस प्रकार कल ही हुआ था सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा पटाखे चलाए जाने उनके मध्यम जो बात है, आगरा को लेकर क्या प्रदूषण के अंदर? देखिए, ये क्योंकि आगरा प्रदूषण एनजीटी के दायरे में आता है, और यहाँ प्रदूषण पर जो प्रदूषण होता है उसके स्तर पर हमेशा नजर रखी जाती है। इस संबंध में मेरे विचार से डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का जो ऑर्डर होगा उसका हम लोग पालन करेंगे। जी, थाना सिकंदरा क्षेत्र अंतर्गत आवास विकास कॉलोनी में घटित लूट की घटना की सूचना पर पुलिस बल एवं उच्च अधिकारियों द्वारा त्वरित घटना स्थल पर पहुंचकर अभियुक्त पंजीकृत करते हुए 3 टीमों का गठन कर दिया गया। साक्ष्य संकलन के आधार पर की जा रही वैधानिक कार्यवाही एसएसपी आगरा ने दी जानकारी। की सूचना मिली थी कि एक पुनीत अग्रवाल जी हैं, उनके नमकीन की एक एजेंसी है, और अपने घर से वो गोडाउन आए थे, गोडाउन में पर्ची भर रहे थे कैश जमा करने के लिए, तब दो लड़के अंदर आए, और इनके द्वारा बताया गया उनके पास कोई हथियार नहीं था, एक स्टील की रॉड थी एक व्यक्ति के पास, और उन्होंने स्टील की रॉड से गर्दन दबा के थोड़ा सा, और इनका बैग में जो पैसे रखे थे पैसे बैग में से निकाल लिए, बैग वहीं छोड़ गए, इनका मोबाइल भी वहीं छोड़ गए, और दोनों लड़के चले गए। इन्हें अभी इन्होंने बताया कि दोनों लड़के मास्क लगाए हुए थे, इस संबंध में पूछताछ की जा रही है, और इनके पास कोई लड़का भी काम करने वाला नहीं है, पूछताछ की जा रही है, पूछताछ के बाद मुकदमा पंजीकृत किया जाएगा। मुकदमा पंजीकृत करने के बाद इसमें 3 टीमें मेरे द्वारा बनाई गई हैं, इसके यहाँ पर हमारी जो स्वेट टीम है वो भी आ गई है, और बहुत जल्दी इस केस को वर्कआउट करेंगे। लगभग कितना कैश ले गए? 1,71,000 रुपये बताए हैं, और उसमें 100 की गड्डी भी थी, 50 की गड्डी भी थी, 200 की गड्डी भी थी, 500 की भी थी, और कुछ नोट 2,000 के थे जो इनके द्वारा बताए गए। उत्तर प्रदेश सीतापुर में चोरी के आरोप में नाबालिग की पिटाई, चौराहे से लेकर चौकी तक लोगों ने पीटा। नाबालिग की पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर हो रहा वायरल, थाना शहर कोतवाली इलाके का पूरा मामला। ये कानपुर एयरपोर्ट का न्यू टर्मिनल बिल्डिंग का निर्माण कार्य चल रहा, कार्य तेजी में लाने के लिए समय पर पूरा करने के लिए सांसद भोले की अध्यक्षता में हवाई अड्डा सलाहकार समिति एएसपी ने साइट का दौरा कर किया प्रगति कार्य की समीक्षा। इस प्रकार से खबरें समाप्त होती हैं, देखते रहिए बीपीएन न्यूज़।